हाय दिस इज ऋषभ कक्कड़ और आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का टॉपिक आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। पहले मैं बात करूंगा आइडियल सॉल्यूशंस की और उसके बाद मैं बात करूंगा अपने नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। तो चलिए जल्दी से टॉपिक पे आते हैं। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं सबसे पहले मुझे ये जानना है। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आइडियल सॉल्यूशंस हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं। आइडियल सॉल्यूशंस हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो सभी के सभी सॉल्यूशंस जो फॉलो करेंगे राउल्ट्स लॉ को वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे। इससे पहले हम एक वीडियो में देख चुके हैं इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। मैंने राउल्ट्स लॉ समझाते वक्त एक ग्राफ बनाया था और बताया था वो आइडियल सॉल्यूशन का है। कुछ इस तरीके से ग्राफ बना था। यहाँ पे पी नॉट बी था, यहाँ पे पी नॉट ए था। इस ग्राफ को समझने के लिए पुरानी वीडियो देखें। पुरानी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग इजीली वहां से देख सकते हैं। राइट, तो अभी फिलहाल हम ले करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ एक्स ए था, यहाँ एक्स बी इक्वल टू वन था, यहाँ एक्स ए था, यहाँ पे एक्स बी इक्वल टू जीरो था और यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो था। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे आपका प्रेशर है, यहाँ पे आपका प्रेशर है और यहाँ पे आपका मोल फ्रैक्शन था। ये जो ग्राफ था वो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ था और आज हमें समझना है कि आइडियल सॉल्यूशंस कौन कौन से होंगे और उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे। राइट, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अपने आइडियल सॉल्यूशन के अंदर। तो आइडियल सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो ये आएगा, वो सारे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे वो आइडियल सॉल्यूशन होंगे। राइट, तो पहला पॉइंट मैं इसी को मेंशन कर देता हूं। दूसरा पॉइंट जो आएगा वो आएगा इंथैल्पी का। तो जो चेंज इन इंथैल्पी होगी वो जीरो होगी। इसके अंदर जो चेंज इन एंथैल्पी होगी वो जीरो होगी, यानी कि जब तेरा बॉन्ड बन रहा है और जब तेरा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जो कंज्यूम हो रही है, वो बराबर है। बात समझ में आ रही है। तो जो चेंज इन एंथैल्पी हो गई वो जीरो होगी। राइट, चलिए ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको मैं थोड़ा सा इजी वे में समझाना चाहूंगा कि एंथैल्पी बॉन्ड ब्रेक होने पर एनर्जी रिलीज होती है या देनी पड़ती है, क्या चीज है। राइट, तो सबसे पहले अपना दिमाग एकदम साफ कर दो। सबसे पहला पॉइंट सुनो कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो होंगी उसमें बॉन्ड बनाने के लिए तेरे को एनर्जी देनी पड़ेगी। जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगी उसमें आपको बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगी उसमें बॉन्ड बनने पर एनर्जी रिलीज होगी। जो एक्सोथर्मिक होंगी उसमें बॉन्ड बनने पर एनर्जी रिलीज होती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। चलिए अगर ये भी बात समझ में नहीं आई तो इन जनरल सुनिए। अगर मान लीजिए ये ए ए प्लस ये बी बी इंटरैक्ट करके आपका ट्वाइस ऑफ ए बी बना रहे हैं। बात समझ में आ रही है। ये सॉल्यूट सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट सॉल्वेंट है, आपका ये सॉल्यूशन दे रहे हैं ए बी का। राइट, तो अब इधर आ जाइए। इसको जनरली मेरे को बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। राइट, इसको तोड़ने के लिए मेरे को एनर्जी देनी पड़ी मान लो 100। इसको तोड़ने के लिए मेरे को मान लो देनी पड़ी 100। बात समझ में आ रही है। तो ये जब बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, ये जब बनेगा तब कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 200 होगी। तो जो चेंज आएगा एंथैल्पी का वो एकदम आपका जीरो आएगा। बात समझ में आ रही है, वो एकदम आपका जीरो आएगा, तभी तेरा डेल्टा एच जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। तो चेंज इन एंथैल्पी जो होगी वो जीरो होगी। बात समझ में आ रही है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, अगर मैं वॉल्यूम का बात करूं आइडियल के अंदर तो चेंज इन वॉल्यूम भी जीरो होता है। कहने का मतलब अगर ये 50 लिया था तूने और ये 50 लिया था तो बनने वाली चीज 100 ही है। बात समझ में आ रही है। अगर इसका 50 ml यूज किया, इसका 50 ml यूज किया तो बनने वाली चीज 100 ही है, ना उससे कम है ना उससे ज्यादा है, जितना लिया था एग्जैक्ट उतना है। तभी चेंज इन वॉल्यूम क्या आ गया, तुम्हारा जीरो आ गया। राइट, इसके बाद अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूंगा तो मैं इंटरैक्शंस की बात करूंगा। और अगर मैं इंटरैक्शंस की बात करूं तो मैं आपको ये कहूंगा कि ए ए की बीच में जो इंटरैक्शन थी, यानी कि सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शंस, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शंस इज इक्वल टू बनने वाला सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शंस। इनके बीच जो इंटरैक्शंस थी,
इनके बीच जो इंटरेक्शंस थी और इनके बीच जो इंटरेक्शंस का मैग्नीट्यूड होगा वो बिल्कुल बिल्कुल बराबर होगा, तो ही ये आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? आइडियल सॉल्यूशन के अंदर हम लोगों ने चार पॉइंट पढ़ लिए, फॉलो करेंगे राउल लॉ को, एंथैल्पी जीरो, वॉल्यूम जीरो, इंटरेक्शंस मेरी जो होंगी वो एकदम सेम होंगी, राइट। अब पांचवा पॉइंट इसके अंदर क्या आएगा? पांचवें पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आप एग्जांपल ले लो। एग्जांपल क्या ले लोगे इसके अंदर? हेक्सेन प्लस हेप्टेन ले लो, हेक्सेन प्लस हेप्टेन ले लो, बेंजीन प्लस टॉलुइन ले लो, बेंजीन प्लस टॉलुइन ले लो, ये इसके एग्जांपल हो गए। क्लियर हो गई बात? तो आइडियल सॉल्यूशन बस इतना ही काफी है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। क्या है जो? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। साथ साथ नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा भला हो जाएगा आपका। नोट नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, और भूल जाएंगे तो हमारे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा। बात समझ में आई? तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पर। नॉन आइडियल सॉल्यूशन मेरे पास क्या होंगे? सबसे पहली जो डिफाइन है, सारे के सारे वो सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। डज नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ, डज नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ। बात समझ में आ रही है? चलिए ये पॉइंट तो हो गया कॉमन। इसके बाद मैं बात करूं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन मेरे पास दो टाइप के हैं। एक पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, एक नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। मैं यहाँ पे इसका ग्राफ बना दे रहा हूँ, आपको ग्राफ बना दे रहा हूँ एक बार यहाँ पे दोनों का, उससे आप लोगों को समझ आ जाएगा क्लियरली। पॉजिटिव डेविएशन की अगर मैं बात करूंगा तो पड़ोस में लड़ाई चल रही है भाई लोग, ध्यान नहीं देने का क्या? ठीक है, तो ये प्रेशर है सॉल्यूशन का, ये पी नॉट ए है, ये पी नॉट बी है, थोड़ा सा उल्टा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, से इक्वल टू वन है, पी इक्वल टू वन है, राइट। ये जो था मैंने आइडियल के लिए पढ़ा था, ये जो चीज पढ़ी थी मैंने आइडियल के लिए पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले। बात समझ में आ रही है? अगर यहां पे मेरे को पॉजिटिव डेविएशन दिखानी है, पॉजिटिव डेविएशन दिखानी है, तो ये जो डॉटेड वाला ग्राफ है आपका, ये जो मैंने डॉटेड वाला ग्राफ बनाया है आपका, ध्यान से देखिए, ये जो डॉटेड वाला ग्राफ बनाया मैंने वो ही आपका ओरिजिनल ग्राफ है, राइट। डॉटेड वाला ग्राफ को ध्यान से देखना, वही पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। ये तो मैंने आइडियल बिहेवियर बना दिया। अगर इस पे मैं आइडियल बिहेवियर बना दूं, इस पे मैं आइडियल बिहेवियर बना दूं, कुछ इस तरीके से बना दूं मैं आइडियल बिहेवियर इसके ऊपर, तो आइडियल बिहेवियर कुछ आपका इस तरीके से था, ठीक है। अगर मेरे को इसमें नेगेटिव डेविएशन दिखानी है तो ये लो डॉटेड नीचे, येलो डॉट 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 नीचे, येलो डॉट 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 नीचे। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है आपका, ये क्या है आपका डॉटेड लाइन क्या मेंशन कर रही है आपको? नेगेटिव डेविएशन शो कर रही है। चलिए अब मैं अपने पॉइंट्स पे आ जाता हूँ, क्लियर है? ये ग्राफ में अभी मैंने उसमें पूरा कुछ डाला नहीं है, मेंशन नहीं किया है, मेंशन चलो कर देते हैं आपके लिए, क्या हो गया ये लो, बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग को समझ आ जाएगा देख के, राइट। तो इन डॉट्स पे नजर डालेंगे हम लोग अभी बड़ी जल्दी, ठीक है। तो मैं आ गया वापस से अपने पॉजिटिव डेविएशन पर। सबसे पहले हमने टॉपिक शुरू किया, बोला नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ने का है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सारे के सारे सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। इसमें मैंने दो टाइप के पढ़ने हैं, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। सबसे पहले मैं पॉजिटिव डेविएशन की ओर आ रहा हूं। सबसे पहले मैंने इसके बाद एक बात करी थी एंथैल्पी की, यहाँ से मैं शायद आपको दिखूंगा नहीं, मेरे को देख के क्या करोगे, बोर्ड को देख के ही फायदा है, तो इधर आइए। चलिए सबसे पहले बात करूंगा मैं एंथैल्पी की। इसके अंदर जो चेंज इन एंथैल्पी होगी पॉजिटिव डेविएशन के, वो ग्रेटर देन जीरो होगी। चलिए इसको समझते हैं कैसे होगा। वापिस से ए ए प्लस बी बी जो है आपका क्या देंगे, वो ए बी देंगे, ए ए प्लस बी बी आपका क्या देंगे, वो ए बी देंगे। बात समझ में आ रही है? ए भी देंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको अगर ये कहूं, यहां पे अगर मेरे को बॉन्ड तोड़ने के लिए 100 जूल चाहिए था, देना था, यहां पे भी अगर मेरे को 100 जूल देना था, यहां पे भी अगर मेरे को 100 जूल देना था, तो इतनी एनर्जी बिल्कुल सेम टू सेम ये बनने के बाद नहीं निकल रही है, ये बनने के बाद नहीं निकल रही है। मान लो यहां से 150 ही निकल रही थी, यहां से 150 ही निकल रही थी। बात समझ में आ रही है? अरे दादा दादा रुको रुको रुको
दादा दादा रुको रुको रुको, इंथैलेपी जो है वो यहाँ से बॉन्ड जो बनेगा वो क्या बनेगा हमारा इसमें, चलिए ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है ठीक है। तो ये जो हो गया चेंज इन एंथैल्पी जो हो गया, दिस माइनस दिस जो हो गया वो ज्यादा आएगा, वो ज्यादा आएगा, बात समझ में आ रही है। दिस माइनस दिस जो आएगा वो ज्यादा आएगा, इसलिए ग्रेटर देन जीरो हो गया, क्लियर है। अभी चलिए तीसरे पॉइंट पे आ जाइए, वॉल्यूम की अगर मैं बात करूंगा, वॉल्यूम की अगर मैं बात करूंगा, वॉल्यूम से पहले इंट्रैक्शंस की बात करता हूं मैं, ठीक है। वॉल्यूम से पहले मैं इंट्रैक्शंस की बात करूंगा, इंट्रैक्शंस की बात करूंगा, फिर मैं उससे ये वॉल्यूम का आपको समझा दूंगा, क्लियर है। तो इंट्रैक्शंस के अंदर अगर मैं जाऊंगा तो ये जो सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शंस हैं और ये जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शंस हैं, बात समझ में आ रही है। ये सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन, ये सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल इज नॉट इक्वल टू सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शंस, ये बराबर तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब बात ध्यान से सुनिए, बात ध्यान से सुनिए, मैं आपको कह रहा हूं कि ये सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शंस, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शंस इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शंस, बात समझ में आ रही है। ये जो इंट्रैक्शन हो रही है सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में वो वीक है, वो वीक है। अगर ये इंट्रैक्शन आपकी वीक है, अगर ये इंट्रैक्शन आपकी वीक है तो ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, यानी कि ये जो कंपाउंड बनेगा वो वॉलेटाइल बनेगा। अगर ये कंपाउंड वॉलेटाइल बनेगा तो ये प्रेशर भी ज्यादा लगाएगा, अगर ये प्रेशर ज्यादा लगाएगा आइडियल से तो इसको मैं दिखाऊंगा भी ऐसे, बात समझ में आई कि नहीं आई। इंट्रैक्शंस का पॉइंट एक बार और सुनेंगे, सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शंस इज मच मोर देन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शंस, बात समझ में आ रही है। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शंस जो हैं वो कम है, बॉन्ड वीक है, बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, कंपाउंड मोर वॉलेटाइल बनेगा, ज्यादा प्रेशर लगाएगा, सॉल्यूशन का प्रेशर आइडियल से बहुत ज्यादा आएगा, जिसको मैंने ऐसे दिखा दिया। तो इंट्रैक्शन के पॉइंट से मेरे को क्लियर हो गया कि ये ग्राफ में मैंने ये जो स्लोप बनाया है ऊपर की तरफ, ये पहाड़ जो बनाया है वो क्यों बनाया है, राइट, बात समझ आ रही है। तो इंट्रैक्शन का पॉइंट क्लियर हो गया है हमको। वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, तो अगर एक मान लो कोई बीकर था, ठीक है, यहीं पे बना रहा हूं, यहीं पे दो बना देता हूँ, राइट। अगर इंट्रैक्शंस इनकी और इनकी पहले ज्यादा थी, इनकी इनकी इंट्रैक्शंस अगर ज्यादा थी तो कुछ इस तरीके से थी, इंट्रैक्शंस अगर वीक हैं, इंट्रैक्शंस अगर वीक हैं तो कुछ इस तरीके से बनेगा, जगह ज्यादा गिरेगा, वॉल्यूम ज्यादा होगी, तो डेल्टा वी जो हो जाएगा, डेल्टा वी जो हो जाएगा वो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, डेल्टा वी जो हो जाएगा वो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। और जो लास्ट पॉइंट है इसके अंदर पांचवा, इसके जो मैंने आपको एग्जाम्पल देने हैं, इसके जो मैंने आपको एग्जाम्पल देने हैं वो आप समझ लीजिए कि बनने वाली इंट्रैक्शंस मेरे को क्या बनानी है, वीक बनानी है। तो राइट, इथेनॉल प्लस एसीटोन डाल लो, और एसीटोन प्लस वाटर डाल, एसीटोन प्लस बेंजीन कर दो इसको, एसीटोन प्लस बेंजीन कर दो इसको, बात समझ में आ रही है। चलिए इसको एग्जाम्पल को एक बार ही समझने की कोशिश करते हैं। मैं इथेनॉल की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले इथेनॉल में आपकी पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, इथेनॉल में पहले आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, इथेनॉल में पहले आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, ठीक है, पहले आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, क्लियर होगी बात, होगी कि नहीं होगी भाई, हो रही है क्लियर। इथेनॉल में पहले आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, एसीटोन ऊपर से टपका, एसीटोन ने इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वीक कर दिया, यानी कि बनने वाली बॉन्डिंग हो तो खैर एसीटोन और इसके अंदर, एसीटोन और इथेनॉल के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, पर इथेनॉल, इथेनॉल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो स्ट्रॉन्ग थी, जो एसीटोन के आने से ब्रेक हो गई है। एसीटोन के आने से ए बी के बीच में जो इंट्रैक्शन बनेगी वो थोड़ी सी वीक होगी एज कंपेयर टू दिस, जिस वजह से ये सारा का सारा चेंज आने वाला है, बात समझ में आ रही है। तो बस यही था इसका टॉपिक। अब हम करेंगे नेगेटिव डेविएशन, अब हम करेंगे नेगेटिव डेविएशन। इसको मैं यहाँ से कुछ चीजें हटा देता हूँ, कुछ चीजें यहाँ से मैं हटा देता हूँ। अब हम करेंगे नेगेटिव डेविएशन, अब हम करेंगे नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन के सबसे अंदर पहले पॉइंट जो पढ़ेंगे हम इंथैलेपी का पढ़ेंगे। इंथैलेपी के अंदर अब आप लोग रिलेट कर सकते हैं, अब आप लोगों ने टॉपिक पढ़ लिया है एक्चुअली, अब आप लोग रिलेट कर सकते हैं टॉपिक को,
इंथैलेपी की अगर मैं बात करूंगा, तो डेल्टा एच जो है वो लेस देन जीरो रहेगा, डेल्टा बी, एक बारी ध्यान से देखिए, डेल्टा एच जो है वो लेस देन जीरो रहेगा। अगर ये 100 है, तो ये ग्रेटर देन 200 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। तो दिस माइनस दिस करोगे तो माइनस में वैल्यू आएगी, माइनस में अगर आपकी वैल्यू आएगी तो डेल्टा एच लेस देन जीरो ही होगा। ठीक है, समझ जाइए अब अपने आप। तीसरा पॉइंट जो है वो हमने कौन सा किया था, हमने डाला तो वॉल्यूम था, पर पहले पढ़ा इंटरेक्शंस था, तो इसमें भी चलिए पहले वॉल्यूम डाल देते हैं और इंटरेक्शंस का पढ़ लेते हैं। इंटरेक्शंस के पॉइंट से हम लोगों को ये टॉपिक बढ़िया से क्लियर होता है, सबसे ज्यादा इसको बढ़िया से क्लियर करेंगे, राइट। तो देखिए ए ए सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शंस, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस इज वीकर देन बनने वाला सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस। इनके बीच जो इंटरेक्शन थी वो कमजोर थी, जो बनने वाला कंपाउंड है उसके बीच में इंटरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है इसके कंपैरिजन में। बात समझ में आ रही है? अगर इसके बीच की इंटरेक्शन पहले वाले से स्ट्रॉन्ग है तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। ये बॉन्ड अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं, तो वॉलेटाइल भी नहीं। वॉलेटाइल अगर नहीं तो प्रेशर जो एग्जर्ट करेगा वो आइडियल के कंपैरिजन में कम एग्जर्ट करेगा। इसको समझने के लिए आप ये भी समझ सकते हैं, देखिए अगर ये बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग का मीन स्टेबल है, राइट। अगर ये बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है, कम एनर्जी ले रहा है तो बाकी की एनर्जी रिलीज कर रहा होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलो यार। बाकी की एनर्जी रिलीज कर रहा होगा, इसीलिए तो डेल्टा एच नेगेटिव है। आप लोग किसी भी वे में इस चीज को सोच सकते हैं, बाकी ये जो समझाया था उस तरीके से भी, ये जो नई चीज बताई है इस तरीके से भी, समझने के कई सारे रास्ते हैं। बस आपको इंटरेक्शंस का पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ये बॉन्ड बना स्ट्रांग है तो टूटेगा नहीं तो प्रेशर कम एग्जर्ट करेगा या कम वॉलेटाइल रहेगा, राइट। तो इंटरेक्शंस का पॉइंट ये समझ आ गया। इंटरेक्शंस के पॉइंट से आप लोग वॉल्यूम का भी पॉइंट समझ सकते हैं कि बनने वाला अगर बॉन्ड स्ट्रांग है, पहले अगर आपकी इंटरेक्शंस ये हो रही थी और अब जो आपकी इंटरेक्शंस हैं वो ये हो रही हैं, तो इसका वॉल्यूम जो है वो कम रहेगा, तो वॉल्यूम इज लेस देन जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा वी इज लेस देन जीरो हो जाएगा। अगले पॉइंट में मैं इसके एग्जांपल की बात करूंगा। तो एग्जांपल में आप पहले डाल दिए बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म डाल दीजिए या क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन डाल दीजिए। अगर मैं इसका एग्जांपल आप लोगों को समझाऊं तो अब देखिए क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3 और एसीटोन आपका आपको पता ही है, ठीक है। तो बनने के बाद जो बॉन्डिंग हो रही है, जो AB बनने के बाद जो बॉन्डिंग हो रही है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो बनने वाली बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो रही है एज कंपेयर टू क्लोरोफॉर्म के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही थी, ठीक है। तो AB बॉन्ड बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। बात समझ में आ रही है, वो आप लोगों को मैंने यहां से दिखा दिया, क्लियर है। तो हम लोग ये वाला टॉपिक बड़े सही से कर चुके हैं गाइस, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, कोई चीज मिस आउट हो जाती है या इस पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उसकी भी वीडियो बनती रहेगी। आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेक करना कभी मत भूलिएगा, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स रहेंगे, हमेशा कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दिए जाएंगे तो लिंक उसमें डाल दिया जाएगा, या फिर पूरे चैप्टर पे जितनी भी वीडियोस बनी हुई हैं सबके लिंक उसके अंदर डाल दिए जाएंगे। तो कोई टॉपिक आपका छूट रहा हो तो वहां से पता लग जाएगा, राइट। मेरे को एक पॉइंट याद आ गया जिसपे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ अपनी, इसी में एक बार ये एक्सप्लेन कर दूंगा। ये जो पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं इसको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप भी कहूंगा मैं। पॉजिटिव डेविएशन वाले को मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप भी कहूंगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, और इसको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स भी कहूंगा। इसमें जो सॉल्यूशन बनेगा वो मैक्सिमम बॉइलिंग
एजियोट्रोप्स भी कहलाएगा। एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं जानने के लिए देखिए हमारी अगली वीडियो। अगली वीडियो बाद में देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और ढेर सारा प्यार देते रहना और वीडियो को शेयर भी जरूर करते रहना। थैंक यू सो मच।